बीजेपी शिवसेना के झगड़े पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने तोड़ी चुपकी। स्वार्थी बीजेपी शिवसेना को संघ प्रमुख भागवत ने दी बड़ी सीख। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का मामला अभी भी अधर में अटका है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पाले में गई, लेकिन वहां भी बात बनती दिखाई नहीं दे रही। इन सब के बीच महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल मोहन भागवत ने बीजेपी और शिवसेना को बड़ी नसीहत दी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, सब जानते हैं आपस में लड़ने से दोनों की हानि होगी, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ते। सब जानते हैं कि स्वार्थ से नुकसान होगा, लेकिन लोग स्वार्थ नहीं छोड़ते। उन्होंने आगे कहा, ये तत्व सभी के साथ लागू होता है, देशों के साथ भी और व्यक्तियों के साथ भी। भागवत ने कहा, हर आदमी अच्छा ही बनना चाहता है, लेकिन मनुष्य का अहंकार है, वो हर वस्तु पर अपना स्वामित्व चाहता है। वो किसी को भी कुछ नहीं देना चाहता, देता भी है तो कम से कम देता है। ये चातुर्य मनुष्य के पास ही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य भगवान भी बन सकता है या वो राक्षस भी बन सकता है। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सरकार बनाने को लेकर शिवसेना की कांग्रेस और एनसीपी के साथ बात बिगड़ती नजर आ रही है। इस बयान को शिवसेना और बीजेपी दोनों के लिए नसीहत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पद पर अड़े रहते हुए एनडीए को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। वहीं बीजेपी की तरफ से भी फिलहाल दोस्ती की कोई कोशिश नहीं दिख रही है। शिवसेना लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री उसी का होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गठन पर रस्साकशी के बाद शिवसेना ने मोहन भागवत से दखल की अपील की थी। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के सलाहकार किशोर तिवारी इस संबंध में एक चिट्ठी लिखते हुए नितिन गडकरी और भागवत को मध्यस्थता के लिए आगे आने को कहा था। हालांकि गडकरी ने कहा था कि सरकार गठन से संघ का लेना देना नहीं है। वहीं फडणवीस से बार बार फोन करने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने उनसे बात नहीं की थी। इसके बाद शिवसेना कोटे के मंत्री अरविंद सावंत ने एनडीए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि संघ प्रमुख की इस नसीहत का बीजेपी शिवसेना पर कोई असर होता भी है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।